आधी रात को फिर सुलगा जैन यूनिवर्सिटी के वीसी को बंधक बनाकर छात्र ने किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र को किया अलग थलग। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। विवाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के काफिले पर किया हमला। मामूली तौर पर चोटें आई हैं बाबुल सुप्रियो को। अरुण जेटली के मानहानि केस में केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार किया। दिल्ली महिला आयोग ने डीजी वीके बंसल आत्महत्या मामले में सीबीआई और दिल्ली पुलिस को समन दिया। समन ने 25 अक्टूबर को पुलिस के डीसीपी और सीबीआई के एआईजी को आयोग में सामने होना होगा पेश। दिल्ली के नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में बर्ड फ्लू का कहर बरकरार। 9 पक्षियों की इससे मौत। पार्क बंद किया गया। मैंने कटिहार को मिला सुब्रमण्यम स्वामी का साथ। स्वामी बोले घोषणा पत्र में राम मंदिर भाग नहीं सकती बीजेपी। कटिहार ने रामायण संग्रहालय को लॉलीपॉप बताकर मंदिर बनाने के लिए कहा था। लिपापोती कर रहे हैं ना कि हाँ हम भी एक बगीचा बनाएंगे या राम के लिए मूर्ति बनाएंगे। ये सारी जो बातें हैं इसका संकेत है कि उत्तर प्रदेश में जनता राम मंदिर चाहती है। हरिद्वार पहुंची राधे माँ ने हर की पैड़ी पर जूते पहनकर माँ गंगा का अपमान किया। राधे माँ ने गंगा में जूते पहनकर प्रवेश किया। बुधवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पूर्व मंत्री पीर मोहम्मद हुसैन के घर में अज्ञात लोगों ने हमला बोला। मामले की जाँच जारी। श्रीलंका की नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर पकड़े 20 भारतीय मछुआरे। एक नाव में सवार थे सभी 20 मछुआरे। बुधवार को जम्मू के राजौरी में हुए सीज फायर के उल्लंघन से दहशत में स्थानीय लोगों ने कहा कि इन परिस्थितियों में काम पर जाना बेहद खतरनाक। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों का सेना में वर्दी में आया नया वीडियो। वीडियो में पुलिस से छीनी गई इंसास राइफल लहराते दिखे 12 आतंकवादी। समाजवादी पार्टी में छिड़े घमासान के बीच अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग फिर उठी। यह मांग एमएलसी उदयवीर सिंह ने उठाई मुलायम को चिट्ठी लिखकर। पार्टी में छिड़े घमासान के बीच मुलायम सिंह यादव ने 24 अक्टूबर को बुलवाई बैठक। मीटिंग में तमाम पार्टी पदाधिकारी विधायक सांसद सभी को रहना होगा मौजूद। सीएम अखिलेश के लिए चुनाव प्रचार में जाने को तैयार। 3 नवम्बर को अखिलेश यादव खुद लेकर निकलेंगे विकास रथ यात्रा। कानपुर में नौकरी का झांसा देकर युवती के साथ रेप कर फरार हुआ आरोपी सूचना पर पहुंची पुलिस ने सर्विलांस के जरिए 1 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। मेरठ में एक पाखंडी बाबा के गिरोह ने व्यापारी के साथ की लाखों की लूट। इसके अनुसार आरोपी बाबा ने फूंक मारकर उसको वश में किया और फिर लूट को अंजाम दिया।